सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं गणेश विसर्जन करने। तो अभी मैं अपनी कार पार्किंग वाले एरिया में आ गया हूँ कार लेने। तो इसके बाद हम सब चलेंगे गणेश विसर्जन करने, मैं, मम्मी और सुप्रिया। तो चलो साथ चलते हैं हम लोग। डेली की तरह हमारी वही कंजेस्टेड रोड, पतली सी। यहाँ से कार निकालने में काफी प्रॉब्लम होती है, पर मेरी कार पार्किंग की जगह ही यही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं कार में, आज गणेश विसर्जन होना है। तो सुप्रिया बैठी हुई है गणेश जी प्रतिमा लिए होगी, और ये मेरी बोनू बैठी हुई है यहाँ पर। बोनू तो आगे ही बैठता है, मम्मा की गोद में गणेश जी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आगे बैठी हुई हूँ। मुझे पता है भगवान जी को लिए है मेरी मम्मा। तो हम यहाँ चल रहे हैं नहर की तरफ। नहर के पास में एक ऐसी जगह है जहाँ से अच्छे से बैठ के हम गणेश विसर्जन करेंगे वहाँ पर। हम कहेंगे भाई तो बंद कर ले। तो नहर पुल के पास आ गए हम लोग, यहाँ से मुड़ेंगे। यहाँ से चलते हुए थोड़े पास में ही है वो जगह। पूरे रास्ते में ये घोड़ा गाड़ी आ गई है, तो रास्ता काफी छोटा है, तो उसको पीछे होने के बाद ही निकाल पाएंगे हम। तो यही वो जगह है जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी गणेश विसर्जन किया था, ये वाली जगह पे। तो यहाँ पे हमने अपनी कार पार्क कर दी है। आइए सुप्रिया जी। तो भगवान श्री गणेश को लेके सुप्रिया उतर रही हैं। एक खाली और है, वो भी ले लेते हैं। अब ये तो कोई पकड़े, चलो मम्मी को ऊपर ले। तो ये मेरा बोनू खड़ा हुआ है यहाँ पर धूप में इतना। तो हम और बोनू और सब लोग यहाँ पर गणेश जी विसर्जन करने आए हैं यहाँ नहर के पास। तो यहाँ ये जगह है, तो गणेश जी की पूजा कर रही हैं सुप्रिया। दिया बांध रखी हूँ, दिया नीचे रखो। गाल पे जमा लो। आओ और सब पूरी हाँ पे हाँ ठीक है। क्या दिखा रहा है? हाँ जय हो श्री। सब मिल दीपा दीपा कहीं रखो, पूरी पे रख देते यहाँ पे हम लोग गणेश जी को विसर्जन कर दिए हैं है यहाँ पर। और अब यहाँ से निकलते हैं यहाँ से। तो ब्लॉग को यहीं से करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में।